हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी जो साहचर्य के सिद्धांत हैं उनके ऊपर कि अधिगम के साहचर्य के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, किस तरह से हैं, किसने दिए थे, किसने इन पर रिसर्च किया था, सब बातों पर हम इस विषय में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज हमारे इस टॉपिक की। देखिए सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आएगा वो हमारा होगा एस आर थ्योरी पर, यानी साहचर्य का मतलब होता है दोस्तों साथ साथ। साहचर्य के सिद्धांत में क्या क्या बातें आती हैं, सबसे पहले हमें ये बातें ध्यान में रखनी हैं। कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो साहचर्य के सिद्धांत में हमें काम करते हैं। तो पहला हो रहा है दोस्तों इसमें अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत। कौन सा है? अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये देख सकते हैं आप। अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत हमारा सबसे पहले आता है, विच इज़ गिवन बाय पावलो। यही अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था। दूसरा इसके अंदर आपने पढ़ा होगा उद्दीपक का, और आपने जाना भी होगा उद्दीपक, ठीक है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी आपने पढ़ा होगा। एक इसमें आता है दोस्तों क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत, वो भी हम जानेंगे, और साहचर्य के सिद्धांतों में आते हैं। और एक होता है इसमें पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत, तो इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे आने वाले वीडियो में। आज हम बात करेंगे अनुकूलन अनुक्रिया के सिद्धांत के बारे में, किसने दिया था और किस चीज़ पर रिसर्च की थी, ये सब बातें इस पीरियड में जानेंगे दोस्तों। ये जो हमारा सिद्धांत था जिसके द्वारा दिया गया, उनका नाम था पावलो। क्या नाम था दोस्तों? पावलो नाम था। और इस व्यक्ति ने अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। अनुकूलन अनुक्रिया क्या होती है दोस्तों? किसी चीज़ से रिले हम को रिले, हम कहने का अभिप्राय अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ, किसी चीज़ के साथ जुड़ जाना। कैसे? अनुक्रिया का मतलब रिस्पॉन्स देना। हम किसी की बात को रिस्पॉन्स करते हैं ना, हम किस तरह का बिहेव करते हैं, किस तरह का बर्ताव करते हैं, उसकी बात को लेकर किस तरह का चेहरा बनाते हैं, सेम अनुक्रिया रिस्पॉन्स करना। ये पावलो ने दिया था। इन्हें 1904 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज, जो नोबेल प्राइज है वो मिला था। और नोबेल उन्हीं को मिलता है दोस्तों जो दुनिया में सबसे अलग हटके कोई काम करता है। नोबेल प्राइज तो मिला था, लेकिन इनको क्या किस चीज़ के लिए मिला होगा? ये मिला था आपको, जो हमारे पावलो हैं उनको पाचन शक्ति को लेकर, उन्होंने उन पर शोध किया था, इसलिए उनको 1904 में नोबेल प्राइज़ मिला। दोस्तों इनके जो शिष्य थे उनका नाम था लेस्टर एंडरसन। क्या नाम था? लेस्टर एंडरसन। लेस्टर एंडरसन इनके शिष्य थे। उन्होंने इनके काम को आगे तरक्की दिलवाई, कहने का अभिप्राय आगे काम को जो इन्होंने रिसर्च की थी उनको आगे लोगों को तक पहुँचाने का काम किया, तो इनको श्रेय जाता है इनके शिष्य लेस्टर एंडरसन को। दोस्तों पावलो ने क्या किया, जो अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत था वो एक कुत्ते पर किया था। किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। अब कुत्ते पर इन्होंने कैसे किया होगा? जैसे कि अगर आप हम माने जिस तरह से ये एक स्टैंड, मान लीजिए ये एक स्टैंड है, ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने ये रख दिया। अब यहाँ पर एक कुत्ते को बांध दिया, यहाँ पर एक कुत्ते को बांध दिया डॉग को, और जो बांधा फिर उसके बाद क्या था, थोड़ी सी दूरी पर इन्होंने क्या रखा? भोजन रख दिया। क्या रख दिया? यहाँ पर भोजन। यहाँ पर इन्होंने क्या रख दिया? भोजन रखा। तो अब आप सोचते होंगे दोस्तों जो डॉग है, भोजन क्या है? एक स्वाभाविक उद्दीपक है। क्या है? स्वाभाविक, स्वाभाविक उद्दीपक है, ठीक है दोस्तों। स्वाभाविक क्या है? उद्दीपक है, और स्वाभाविक उद्दीपक है। लेकिन कुत्ते के क्या हो गई? भोजन को देखते ही लार आनी शुरू हो गई। क्या हुई? लार शुरू हो गई यानी, और जब लार आएगी कुत्ते के तो उसको क्या बोलेंगे? क्योंकि सब जब हम भोजन को देखते ही लार आएगी तो कुत्ते भी लार आना स्वाभाविक सी बात है ना दोस्तों। हम भी भोजन करते हैं, हमारा मन ललचाने लगता है, तो ये भी स्वाभाविक सी बात थी। इसको हम क्या कहेंगे? स्वाभाविक उद्दीपक ही नाम देंगे। तो पहली सिचुएशन तो ये थी। हाँ, उन्होंने क्या किया, ये पहले सिचुएशन में किया, तीन चरणों में इन पर इनको प्रयोग किया। ये स्वाभाविक उद्दीपक था, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब उसने दूसरे चरण में क्या किया पावलो ने, दूसरे चरण में देखना आप क्या करते हैं वो। दूसरे चरण में क्या किया उन्होंने,
एक यहाँ पर जो थी स्टैंड पर एक घंटी बांध दी। दूसरे चरण में क्या किया, पावलो ने एक स्टैंड पर घंटी बांध दी, कुत्ते को यहीं पर बांधे रखा जो डॉग था, ठीक है। भोजन सामने रखा, लेकिन भोजन, सुनना मेरी बात, भोजन सामने ऐसे ही नहीं रखा। उन्होंने क्या किया, पहले घंटी बजाई। पहले क्या बजाई दोस्तों, घंटी बजाई। ये अब क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है। क्या है, ऐस घंटी क्या है हमारी, अस्वाभाविक, अस्वाभाविक उद्दीपक है, अस्वाभाविक उद्दीपक है दोस्तों। मैंने पिछले थोड़ा से पहले उनमें आपको मैं एक अनुक्रिया थी, मैंने उद्दीपक बोल दिया, माफी चाहूंगा उसके लिए। अस्वाभाविक उद्दीपक, घंटी क्या हुई, उद्दीपक हुई। लेकिन अब क्या हुआ, भोजन उन्होंने रखा। अब ये भोजन कितने समय के अंतराल में रखा, घंटी इसने बजाई और भोजन रखा, इनका बीच में जो समय था दोस्तों, वो उन्होंने बताया कि कम से कम 5 सेकंड, ये 5 सेकंड का ही समय होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपने घंटी बजाई, घंटी बजाते ही भोजन को रखा। लेकिन जब इन्होंने शुरुआत में रखा इसको, तो कुत्ते को क्या हुआ, घंटी का कोई महत्व नहीं था, जब भोजन रखा तब लार आई, मतलब घंटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन ऐसा इन्होंने कई महीनों तक दोहराया। एक दिन ऐसा आया, तब क्या हुआ कि कुत्ते को घंटी के साथ, जैसे ही घंटी बजी, लार आना शुरू हो गई। घंटी बजते ही क्या हो गई, लार आना शुरू हो गई, यानी भोजन रखा ही नहीं, घंटी बजाई, भोजन था ही नहीं कुत्ते के आगे, और फिर भी इसको लार आ गई। मतलब ये किसके साथ बंध गया, किसके साथ इसका अनुकूलन हो गया, घंटी के साथ भी। कुत्ते को पता चल गया कि घंटी बजेगी तो भोजन आएगा, तो इसलिए उसने क्या गया, लार टपकनी शुरू हो गई घंटी के साथ ही। तो इन्होंने क्या बताया, ये जो घंटी थी वो अस्वाभाविक क्या थी दोस्तों, अस्वाभाविक उद्दीपक था। और जब घंटी के साथ इसके लार आने शुरू हो गई, तो वह क्या थी, अस्वाभाविक अनुक्रिया। क्या थी दोस्तों, अस्वाभाविक अनुक्रिया थी। क्या थी दोस्तों, अस्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है। तो पहले उन्होंने घंटी बांध के जो प्रयास किए थे, वो दूसरे चरण में किए थे। तीसरे चरण में उन्होंने ये नाम दिए क्या, अस्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक अनुक्रिया, सेम यही चीज़ करके घंटी बार बार उन्होंने क्या किया, कुत्ते को बांधा यहाँ और भोजन सामने रखा, ठीक है। तो ये 5 सेकंड के अंतराल में इन्होंने रखा था तीसरे चरण में, तब इन्होंने कहा कि ये क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है। और अनुक्रिया उसने क्या की, जो लार टपकने लगी घंटी को देखती, न कि भोजन को देखती, भोजन तो उन्होंने रखा ही नहीं, लेकिन फिर भी कुत्ते के लार आनी शुरू हो गई, क्योंकि उसे पता था भोजन आएगा, तो वो घंटी को समझ के अनुक्रिया करने लगा। जैसे कि हम भी तो करते हैं, स्कूल की घंटी बजी, हमें पता है स्कूल की घंटी किस लिए बजती है, इसलिए हम भाग के क्लासों में बैठ जाते हैं, रिसेस होती है तब। तो सेम ये हमारा पावलो का नियम ही काम करता है यहां पर। तो ये हमारा क्या है, हम अनुक्रिया करने लग जाते हैं, रिस्पॉन्स देने लग जाते हैं घंटी के ऊपर, हम उसके साथ अनुकूलन करने लग जाते हैं दोस्तों। इस उद्दीप अस्वाभाविक जो हमारा उद्दीपक है, जिसे हम नाम देते हैं, इसे क्या कहते हैं, जिस तरह से अस्वाभाविक अनुक्रिया जो इन्होंने की, इसको हम कह सकते हैं शास्त्रीय अनुबंधन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, शास्त्रीय अनुबंधन भी बोल सकते हैं, शास्त्रीय, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ अगर आपको दिखाई नहीं देता, जो अस्वाभाविक उद्दीपक है, अस्वाभाविक उद्दीपक भी इसको कह सकते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन भी कह सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन और क्लासिकल थ्योरी भी बोल सकते हैं, क्लासिकल थ्योरी, ठीक है दोस्तों। ये तीनों नामों से हम पुकार सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और बताऊँ आपको, जो ये तो थी क्या उद्दीपक का काम, लेकिन एक था हमारा अस्वाभाविक अनुक्रिया भी तो था। क्या थी, अस्वाभाविक अनुक्रिया, क्योंकि लार आना वहाँ एक तो स्वाभाविक थी, भोजन को देख के तो स्वाभाविक सी बात होती है कि लार आती है, लेकिन यहाँ पर क्या था, अस्वाभाविक अनुक्रिया में, जिसे हम कह सकते हैं अनुबंधित अनुक्रिया। क्या कह सकते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया, ये लिख देता हूं। एक हो सकती है परंपरागत अनुबंधन, इसे बोल सकते हैं, और एक प्राचीन अनुबंधन भी इसे हम बोल सकते हैं, प्राचीन अनुबंधन भी हम इसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, बोल सकते हैं। तो ये चीजें हमारे काम की चीज़ें हैं जो हमें जाननी जरूरी हैं। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि इसका प्रभाव क्या होता है,
क्या होता है कहने का अभिप्राय, कि इसका फ़ायदा क्या होगा हमें इससे पढ़ने से, हमारे शिक्षा में इसका क्या फ़ायदा। देखिए दोस्तों, ज़्यादा मोटी चीज़ नहीं है, मैं सीधा शॉर्टकट में आपको समझाता हूँ। ये जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया, पावलो के द्वारा दिया गया, सन 1904 में दिया गया। कब दिया गया, सन 1904 में। इसको आगे किसने बढ़ाया, उसके शिष्य एंडरसन ने उनको श्रेय जाता है, नोबेल पुरस्कार मिला है 1904 में। तो ये किस लिए मिला, पाचन शक्ति के ऊपर मिला ये नोबेल पुरस्कार उनको 1904 में, माफी चाहूंगा कोई मिस्टेक हुई तो इन्होंने क्या किया, प्रयोग कुत्ते पे किया। सीधी सी बात है, अगर आप भोजन देखते ही आपको लार आती है तो वो तो स्वाभाविक। पहली चीज भोजन क्या है हमारे, जैसे मान लीजिए ये रसगुल्ले हैं, इसको देखूं मैं तो ये तो स्वाभाविक है, ठीक है, स्वाभाविक है। और उद्दीपक जो है हमारा, मेरा रसगुल्ला हो गया, ठीक है, और मैं रिस्पॉन्स कैसा करूँगा, मेरे को रसगुल्ले देखते ही लार आने टपकने शुरू हो जाएगी, दैट्स इट। तो ये बात स्वाभाविक सी है। लेकिन अगर मैं, जैसे मान लीजिए मेरे आसपास ये ट्यूबलाइट लगी हैं, इसको कोई दिखा के मुझे रसगुल्ले देने शुरू करेगा तो मैं क्या करूँगा, धीरे 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 मुझे पता चल गया कि हाँ रसगुल्ले, जैसे कि स्कूल में घंटी बजती है, मुझे पता है मुझे भोजन मिलेगा, सरकारी स्कूल में मिलता है ना, तो घंटी बजते ही बच्चे क्या करेंगे, उन्हें पता है कि घंटी बजते ही भोजन मिलना है। तो दैट्स इट, सेम वही बात है, वो घंटी के साथ अनुक्रिया करने लग जाते हैं, उनके साथ अनुबंधन करने लग जाते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया भी कह सकते हैं, परंपरागत अनुबंधन भी कह सकते हैं, प्राचीन अनुबंधन भी कह सकते हैं। तो ये बात थी दोस्तों। लेकिन बात आती है कि इसकी उपयोगिता क्या है, क्या है इसकी उपयोगिता हमारे क्षेत्र में, बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप 3+4 पढ़ते होंगे, टोटल 7 होता है। तो ये क्या है, संकेत अधिगम तो है, संकेत है कि नहीं है, संकेत है ना, प्लस माइनस गुणा भाग, ये तो ये काम आता है हमारे मैथ में भी, भाषा के क्षेत्र में भी आता है ये यूज। कैसे, जैसे कै कबूतर पढ़ते हो, संकेत का ही काम करता है। आप रेड लाइट देखते होंगे, रेड लाइट देखते ही आप रुक जाते हैं, अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं, तो ये भी क्या है, हमारे उपयोगिता तो है कि नहीं है। आदत संबंधी, आदत यानी आदत हमारी क्या है, इसके अकॉर्डिंग हो गई कि नहीं, रेड जो भी हमने लाइट देखी उसके क्षेत्र में। समाजीकरण के क्षेत्र में भी इसका काम आता है, दर्शन शास्त्र के रूप में भी ये काम आता है, और भय के निवारण में भी ये काम आता है दोस्तों। तो हमारा जो ये टॉपिक था साहचर्य के सिद्धांत का, पहला अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये सिर्फ इतना ही था दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। मैं दोबारा एक चित्र के माध्यम से बता देता हूँ, एक ही चित्र में सारी बातें बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए घंटी है, ये घंटी यहाँ पे लटक रही है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये स्वाभाविक नहीं है, ये क्या है, अस्वाभाविक है, ठीक है, अस्वाभाविक क्या है, उद्दीपक है, जो कोई चीज़ संज्ञा जो हम कहते हैं, ये कोई क्रिया नहीं है, ये उद्दीपक है, काम तो होगा, कुत्ता करेगा वो। ये कुत्ता बांध रखा है यहाँ पर, क्या कर रखा है, कुत्ता बांध रखा है, ठीक है, और इधर क्या रख रखा है, भोजन, ठीक है। भोजन कब रखा, शुरुआत में तो क्या था, ये घंटी नहीं थी, ऐसे समझ लीजिए, ये शुरुआत में तो क्या था, स्वाभाविक भोजन था, क्या था, स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक उद्दीपक ये हो गया, क्या हो गया, ये स्वाभाविक उद्दीपक। लेकिन लार इस कुत्ते की आई, किसकी आई, कुत्ते के लार आ गई, लार आना क्या हुआ, अस्वाभाविक अनुक्रिया हो गई दोस्तों, ठीक है, कहीं पर मिस्टेक हुई है तो गलती चाहता हूँ। स्वाभाविक क्या थी, अनुक्रिया, अनुक्रिया, ठीक है, स्वाभाविक क्या थी, अनुक्रिया, काम किया ना उसने, तो ला राना यहाँ तो स्वाभाविक था, लेकिन यहाँ अस्वाभाविक कैसे हुआ दोस्तों। देखो, जब भोजन देख के ला आएगी तो वो तो स्वाभाविक अनुक्रिया ही होगी, अगर बिना भोजन देखे, अब उसने क्या किया, इतना कई सालों तक चलता रहा, दूसरे चरण में उन्होंने घंटी बांधी है, फिर प्रयोग किया है, धीरे धीरे करता रहा, लेकिन एक दिन क्या हुआ, इन 5 सेकंड के, जब घंटी बजाता 5 सेकंड के बाद भोजन रखता, तो कई दिन तो क्या था, घंटी का कोई असर नहीं हुआ, भोजन देख के ला रही, लेकिन धीरे धीरे ये घंटी के ऊपर हो गया, जैसे ही घंटी बजती ला रानी शुरू हो जी, एक दिन क्या किया उन्होंने, ये भोजन नहीं, मतलब स्वाभाविक उद्दीपक नहीं रखा, तो क्या रखा, अस्वाभाविक उद्दीपक रखा, अस्वाभाविक उद्दीपक कौन सा, घंटी रखी, खाना दिए नहीं, तो भी कुत्ते की क्या हो गई, लार आ गई। अब जो लार आई वो क्या थी दोस्तों, अस्वाभाविक थी, क्यों, क्योंकि अस्वाभाविक उद्दीपक से अगर लार आएगी तो वो फिर क्या होगी, अस्वाभाविक अनुक्रिया भी होगी, क्या होगी, अस्वाभाविक क्या होगी दोस्तों, अनुक्रिया ही होगी, क्या होगी, जब अगर
उद्दीपक अनुक्रिया का जो हम कह रहे हैं अस्वाभाविक है, तो लार भी आना उसके साथ अस्वाभाविक के साथ आएगी, तो अस्वाभाविक अनुक्रिया ही कहलाएगी। ये बात आपको को समझ में आ गई होगी। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं कि जिस तरह से शास्त्रीय अनुक्रिया भी कह सकते हैं, क्लासिकल भी कह सकते हैं, थ्योरी कह सकते हैं इसको, ये आप बात ध्यान रखें। और अनुकूलित अनुक्रिया भी इसे हमें कह सकते हैं। तो ये अनुकूलित अनुक्रिया हो गया ना, इसको देख के भोजन आना। लेकिन ये वो क्या था, पहले घंटी बजाता, जस्ट 5 सेकंड बाद क्या करता, भोजन रखता। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको बांध दिया इसके साथ। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं, जैसे भी स्कूल में हम किसी भी ध्वनि के वजह से कि एक घंटी बजती है और कोई दौड़ के आता है, या हम ऑफिस में होते हैं तब बेल करते हैं, जो भी हमारे कर्मचारी है वो दौड़ के आते हैं, तो सेम सायरन ले सकते हो आप, सायरन बजते ही सारे दौड़ के भगते भागते हैं। तो ये सारे के सारे दोस्तों क्या हैं, पावलो के नियम पर आधारित है। और यही हमारा पहला जो अध्याय था इसका, इस चैप्टर का, साचर्य के सिद्धांत का। साचर्य का मतलब साथ साथ। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। उद्दीपक किस पर बात करेंगे, उद्दीपक पर, उद्दीपक जो अनुक्रिया का सिद्धांत है उस पर। ठीक है, धन्यवाद।